अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका दोस्त शहबाज़ अली। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं एक्सेल के नए ट्यूटोरियल के साथ हाज़िर हूं। उम्मीद है आपको ये मेरा जो काविश है आपको तक पहुंचेगी और आप इस पर इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। पहली बार यूट्यूब पर उर्दू में और स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाने के लिए हाज़िर खिदमत हूँ। तो जो लोग कहते हैं कि एक्सेल बहुत मुश्किल है, हमें समझ नहीं आता, तो उनके लिए बहुत ही अच्छी वीडियो होने वाली है। ये मैं बहुत सारे इसकी पार्ट तैयार करूंगा और स्टेप बाय स्टेप हर एक एक चीज़ आपको तफसील के साथ समझाने की कोशिश करूंगा। इंशाल्लाह आप सब दोस्तों को बहुत अच्छी तरह समझ आ जाएगी। तो सबसे पहले चलते हैं एक्सेल की तारीफ की तरफ। एक्सेल एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है दोस्तों। एक्सेल एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसके अंदर हम क्या क्या कर सकते हैं? इसके अंदर हम हिसाब किताब कर सकते हैं, मतलब अर्थमेटिक लॉजिकल और कैलकुलेशन वगैरह कर सकते हैं। इसके अंदर हम आसान ज़बान में जमा नफी तकसीम कर सकते हैं, ठीक है, आम ज़बान में। और इसके ज़रिए बहुत से लोग अपने ऑफिस वर्क में कैलकुलेशन करते हैं, एक्सेल शीट्स तैयार करते हैं, फार्मूले लगाते हैं, इसमें बहुत सारा कुछ। अब वो एडवांस लेवल पे है, लेकिन हम आप बिगनर हैं, शुरू तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह आपको छोटे से छोटा सा पॉइंट भी आपको समझाने की कोशिश करूँगा, और बड़े से बड़ा पॉइंट तो आप जब एडवांस लेवल तक जाएँगे तो इंशाल्लाह वो तो समझ ही जाएँगे। तो आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं, मेरे पास एमएस एक्सेल 2016 है, तो सब एक जैसा ही होता है। इसका डैशबोर्ड देख लीजिए, इसके अंदर ये जो है सबका एक जैसा ही होता है, फार्मूले भी सबके एक जैसे ही होते हैं, बस ये स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सा इसमें टेक्निक आ जाती है। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। ये डैशबोर्ड है जी, ये एक्सेल का डैशबोर्ड है। इसके ऊपर ये जो बॉक्स बने हुए हैं, इनका भी एक नाम है, इसको कहते हैं सेल। हर एक बॉक्स का एक नाम है और हर एक बॉक्स का एक नाम है और इस बॉक्स को सेल कहा जाता है। जैसा कि अब मैं आपके सामने ये एक बॉक्स पर क्लिक करने लगा हूँ, तो इसका नाम है A1। इस सेल का नाम A1। नीचे अब आएंगे तो इसका नाम है A2। हम नीचे आएंगे तो सेल का नाम है A3। जैसा कि आपको ऊपर शो हो रहा है, इसका नाम शो हो रहा है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि हमने इन सब सेल के नाम याद करने हैं, तो हम इसको कैसे याद करेंगे? तो इसका याद करने का बहुत ही आसान तरीका है, वो मैं आपको बताता हूँ। ये जो लाइन है ना, इसको कहते हैं कॉलम। क्या कहते हैं इसको? कॉलम। और जो वन है इसको कहते हैं रॉ। रॉ प्लस कॉलम एक सेल होता है, रॉ प्लस कॉलम एक सेल होता है। जैसे कि ए कॉलम वन रॉ, तो A1 एक सेल का नाम हो गया, A2 दूसरे सेल का नाम हो गया, A3 तीसरे सेल का नाम हो गया, और अब ये जैसे कि I9 ये इसका नाम हो गया। तो जो एक्सेल है ना, इसमें सेल के नेम बहुत ज़रूरी है, सेल का नाम, क्योंकि इसका रेफरेंस देना होता है। हर जगह रेफरेंस इस्तेमाल होता है, एक्सेल में सेल का रेफरेंस देना होता है, इसलिए सेल का नाम याद होना चाहिए आपको फार्मूला लगाने के लिए, ठीक है दोस्तों। आज ये मेरी वीडियो सिर्फ इतनी है ताकि आप स्टेप बाय स्टेप सीखें, ताकि आपको सीखने में दिक्कत ना हो, इसलिए आज की वीडियो इसी जगह मैं काम करता हूँ। सिर्फ आपको सेल के ये रेफरेंस समझाने के लिए वीडियो तैयार की गई है, ताकि आप इसको अच्छी तरह से अपने दिमाग में समझा लें और बार बार मशक करने की कोशिश करें, ताकि आपको समझ लग जाए, ठीक है दोस्तों। उम्मीद है आपको ये मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आप मेरे भी हौसला अफजाई करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इंशाल्लाह उम्मीद आपके लिए ये बहुत सारे ट्यूटोरियल मैंने बनाए हैं और वो हर रोज़ आपके लिए अपलोड किया करूँगा। अगर आप मेरी हौसला अफजाई करेंगे तो मुझे भी खुशी होगी और मेरी मेहनत का फल भी मुझे मिलता रहेगा। अल्लाह हाफिज़।